आगरा में भीषण सड़क हादसे में 9 की मौके पर मौत, वहीं 3 लोग गंभीर घायल। सभी मृतक बिहार के गया जिले के रहने वाले थे। भारत पाक सरहद पर दोस्ती का पहला शिवालय, वहीं गंगा जामुनी तहजीब से मिलकर करेंगे पूजा। बता दे आज 50,000 श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में आज होगा पहला शाही स्नान, वहीं आम लोग नहीं जा सकेंगे हर की पौड़ी पर। डीएनए जांच से की गई असली माता पिता की खोज, पाकिस्तान से 6 साल पहले भारत आई गीता को महाराष्ट्र के नौगांव में मिली मां। गीता का असली नाम है राधा वाघमारे। गीता गलती से चली गई थी पाकिस्तान। भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल की एक्सपर्ट कमेटी ने की देसी कोरोना वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड से निकालने की मांग। ऐसा हुआ तो वैक्सीन लगवाते वक्त सहमति पत्र पर दस्तखत करने की नहीं होगी जरूरत। कैबिनेट ने इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव को दी मंजूरी। बीमा क्षेत्र में 74% FDI का रास्ता हुआ साफ। केंद्र सरकार का मकसद विदेशी कंपनियों को इस क्षेत्र में बड़ा निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कोलकाता के अस्पताल में ले जाया गया। बोली 4-5 लोगों ने दिया धक्का, जानबूझकर किया गया अटैक। उधर विपक्ष ने कसा तंज, कहा TMC राजनीति में ड्रामा घुसा रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव और अभिजीत मुखर्जी ने की हमले की निंदा। ब्रिटेन के सांसदों ने किसान आंदोलन पर की चर्चा, भारत ने जताया विरोध। कहा एक तरफ चर्चा में किए झूठे दावे। 11 से 13 मार्च तक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में हो सकती है हल्की बारिश। पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना। एशियाई बाजारों में दिखा मिलाजुला रुख, हरे निशान के साथ खुले यूरोपीय बाजार। बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।